एक्सपेक्टेड वैल्यू टेक्निक, और इस पे हम इस्तेमाल करते हैं प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटीज के बारे में तो सुना होगा तुम लोगों ने, माइट बी। प्रोबेबिलिटीज यूज करते हुए जो नेट प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट की जाती है उसको हम कहते हैं एक्सपेक्टेड नेट प्रेजेंट वैल्यू। अच्छा जी, अब एक्सपेक्टेड वैल्यू होती क्या है कि हम आइडेंटिफाई करते हैं कि हमारे पास आउटकम्स कितने हैं और हर आउटकम को उसकी प्रोबेबिलिटीज से मल्टीप्लाई कर देते हैं। इसी तरह तो हमारे पास जो एक्सपेक्टेड वैल्यू आती है वो आती है सम ऑफ आउटकम मल्टीप्लाई बाय प्रेजेंट वैल्यू। लेकिन जो एक्सपेक्टेड वैल्यूज होती हैं उसमें जो प्रोबेबिलिटीज निकाली जाती हैं उसके लिए प्रॉब्लम ये है कि प्रोबेबिलिटीज उस वक्त अवेलेबल होती हैं व्हेन द प्रोजेक्ट इज ऑफ रिकरिंग नेचर। यानी कि हमें उस प्रोजेक्ट के बारे में नो हाउ है एंड वी नो दैट कि इसके डिफरेंट आउटकम्स हैं और आउटकम के बारे में प्रोबेबिलिटीज यानी कि चांसेस हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, और ये प्रोबेबिलिटीज और ये चांसेस हम आइडेंटिफाई करते हैं जब हमारे पास रिपीटेड नंबर ऑफ ट्रायल्स हो। प्रोबेबिलिटीज क्या होती हैं? रिपीटेड नंबर ऑफ ट्रायल से हम एक्सपीरियंस गेन करते हैं और फिर असेस करते हैं कि किसी आउटकम के होने के चांसेस कितने होंगे। राइट, इज दिस क्लियर? जी सर। अच्छा, अब हम जैसे अब पिछले हमने जितने भी सवाल किए थे तो हम डायरेक्टली सेलिंग प्राइस लेते थे, डिमांड लेते थे, एक सिंगल आउटकम पे कैलकुलेशन करते थे। अब इन स्टेड ऑफ अ सिंगल आउटकम हम पहले आउटकम की क्या निकालेंगे, एक्सपेक्टेड वैल्यू, और उसके बाद फिर एनपीवी कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो इसके लिए पास्ट पेपर का सवाल है, आइडियल क्वेश्चन जो अभी डिस्कस करने जा रहे हैं। फर्स्ट में क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं और फिर इसको सॉल्व करते हैं तो एक्सपेक्टेड वैल्यू का आइडिया क्लियर हो जाएगा। अच्छा जी, ये देखें, एच इज अप्रेजिंग इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट हैविंग अ लाइफ ऑफ 4 years एंड विच विल नॉट बी रिपीटेड। द इनिशियल इन्वेस्टमेंट पेबल एट द स्टार्ट ऑफ द फर्स्ट ईयर ऑफ ऑपरेशन इज 5 million। ये हमारी इनिशियल इन्वेस्टमेंट आ गई। स्क्रैप वैल्यू इज 500,000 एट द एंड ऑफ 4 years। तो प्रोजेक्ट कितने साल का है? प्रोजेक्ट 4 साल का है। देयर इज सम अनसर्टेनिटी अबाउट व्हाट प्राइस कैन बी चार्ज्ड फॉर द यूनिट्स प्रोड्यूस्ड बाय द इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट एज इट इज एक्सपेक्टेड टू डिपेंड ऑन द फ्यूचर स्टेट ऑफ द इकोनॉमी। तो हमारी जो सेलिंग प्राइस है उसके बारे में हमें प्रॉब्लम है कि सेलिंग प्राइस वेरी कर सकती है, तो इन्होंने हमें सेलिंग प्राइसेस और सेलिंग प्राइसेस की प्रोबेबिलिटीज प्रोवाइड कर दी। अब हमारे पास 3 तरह के आउटकम्स हैं इकोनॉमिक स्टेट के बारे में, कि इकोनॉमिक पोजीशन वीक भी हो सकती है, मीडियम भी हो सकती है और स्ट्रांग भी हो सकती है, और उसके अकॉर्डिंगली उसके चांसेस, इकोनॉमिक कंडीशन वीक होने के चांसेस 35, मीडियम के 50 और स्ट्रांग के 15%। एंड अकॉर्डिंगली सेलिंग प्राइसेस हमारे पास अवेलेबल है, किसमें अवेलेबल है? करंट प्राइस टर्म्स। इसका मतलब है इन्फ्लेशन इसमें शामिल नहीं। दीस सेलिंग प्राइसेस आर एक्सपेक्टेड टू बी सब्जेक्ट टू एनुअल इन्फ्लेशन ऑफ 4% पर एनम रिगार्डलेस ऑफ विच इकोनॉमिक स्टेट प्रीवेल्स इन द फ्यूचर। फोरकास्टेड सेल्स एंड प्रोडक्शन आर गिवन बिलो एंड टोटल नॉमिनल वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट किस टर्म्स में? नॉमिनल। इसका मतलब इसमें इन्फ्लेशन ऐड नहीं करना। सेल्स और प्रोडक्शन के हमारे पास यूनिट्स मौजूद हैं। इंक्रीमेंटल ओवरहेड्स ऑफ 400,000 पर एनम इन करंट प्राइस टर्म्स विल अराइज एज अ रिजल्ट ऑफ दिस प्रोजेक्ट। अ लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ दीज ओवरहेड्स रिलेट टू एनर्जी कॉस्ट व्हिच आर एक्सपेक्टेड टू राइज इन द फ्यूचर। सो ओवरहेड इन्फ्लेशन रेट जो हमें यूज करना है वो है 10% पर एनम। द इनिशियल इन्वेस्टमेंट विल अट्रैक्ट टैक्स डेप्रिसिएशन on a straight line basis over 4 years, ये tax savings आ जाएगी। Corporate tax is 30%, tax liability are paid in the same year and a nominal discount rate of 11% per annum is available. Calculate the expected net present value.
एंड कमेंट ऑन दी फाइनेंशियल एक्सेप्टेबिलिटी. अच्छा, यहाँ पर जो एनपीवी का जो प्रोबेबिलिटी का कॉन्सेप्ट है वो सिर्फ एक चीज के ऊपर अप्लाई करना है, और वो क्या है? सेलिंग प्राइसेस. तो हम सबसे पहले एवरेज सेलिंग प्राइसेस कैलकुलेट करते हैं. तो हमारे पास जो प्राइसेस हैं, सेलिंग प्राइसेस, वो 25 भी हो सकती हैं, हमारे पास सेलिंग प्राइस 30 भी हो सकती है, और हमारे पास सेलिंग प्राइस 35 भी हो सकती है. ठीक है, तीन आउटकम आ गए. प्रोबेबिलिटी कितनी है 25 की? 0.35, 0.50 एंड 0.15. आंसर निकालें. इसमें अभी इन्फ्लेशन ऐड नहीं करेंगे 4%. इन्फ्लेशन एवरेज निकाल, एवरेज निकाल के कर लेंगे. बताएं 25 की प्राइस क्या होगी? टोटल कर लें इसको. ट्वेंटी नाइन क्या है? 29 is the expected value or is called average selling price. अब ये price current terms में ना 29, तो इसको हम inflate करेंगे किस रेट से? 4% per annum से. इसके लिए हम working कर लेते हैं. 1, 2, 3, 4 selling price हमारे पास आ गई है 29, और units हमारे पास मौजूद हैं. units हमने लिए, यूनिट्स है 150, 250, 400 एंड 300. सेलिंग प्राइस में इन्फ्लेशन कितनी है? एक सेकेंड, वैल्यू मैंने गलत लिख दी. 150, 250, 400 एंड 300. सेलिंग प्राइस इन्फ्लेशन कितनी है? 4%. इन्फ्लेट करें सेलिंग प्राइस को. 30.16. दोबारा इन्फ्लेट करें. 31.36, 36, 32.62, 62, 33.92. तो फर्स्ट का रेवेन्यू होगा 4524. सेकेंड का निकाले 7840. ये हमारा रेवेन्यू आ गया जो हम अपने एनपीवी प्रोफाइल में डिस्क्लोज कर देंगे. उसके बाद ये सवाल नॉर्मलाइज हो गया. जो नॉर्मल सवाल होता है तो हम वन बाय वन जो है इसकी जल्दी जल्दी वैल्यूज कैलकुलेट कर लेते हैं. नॉमिनल वेरिएबल कॉस्ट हमें दी हुई है, ठीक है, और ये नॉमिनल वेरिएबल कॉस्ट जो हमें दी हुई है ये टोटल दी हुई है या पर यूनिट दी हुई है? ये टोटल दी हुई, ठीक है. तो हम डायरेक्टली चलते हैं अपनी एनपीवी प्रोफाइल के ऊपर, और हमारे पास कैश फ्लोज आ गए. तो हम कैश फ्लोज वन बाय वन ले लेते हैं इसमें से. सो हमारा रेवेन्यू है 4524, 7840, 13048 एंड 10176. एंड सिमिलरली हमारी जो वेरिएबल कॉस्ट है दैट इज 2385 4200 7080 एंड द नेक्स्ट वन इज 5730. अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास जो फिक्स कॉस्ट थी एंड इंक्रीमेंटल ओवरहेड्स वो आएंगे 400,000 इन करंट प्राइस टर्म्स, और इसमें 10% इन्फ्लेशन है. तो अब आप डायरेक्ट मुझे ओवरहेड्स की वैल्यू बताएं.
400,000 करंट प्राइस टर्म्स, तो 400 को 10% से इन्फ्लेट करें, 440. आगे बताएं. 484 ठीक है. तो हमारे पास सेल्स आ गई, वेरिएबल कॉस्ट आ गई, इंक्रीमेंटल ओवरहेड्स आ गए, टैक्स रेट है 30%. तो अब आप इसका टैक्स कैलकुलेट करें, टैक्स पेमेंट्स. प्लस माइनस करें और 30% से मल्टीप्लाई कर दें. Five two one point seven. दोबारा बोले. 946.8 947. थर्ड ईयर का 1631. ठीक है. अच्छा, सेविंग्स हमारे पास जो थी वो स्ट्रेट लाइन बेसिस के ऊपर है. तो स्ट्रेट लाइन में हमारे पास कॉस्ट है 5 मिलियन की, स्क्रैप वैल्यू है 500,000 और लाइफ है 4 साल. तो सेविंग में डायरेक्ट यहाँ पे दिखा दूं, 5,000 इज द कॉस्ट, 500 इज द स्क्रैप वैल्यू, डिवाइडेड बाय 4, मल्टीप्लाई बाय जो आंसर आएगा उसको 30% से मल्टीप्लाई कर देंगे, सेविंग्स आ जाएंगी 1462. तो डेप्रिसिएशन कितना आएगा पर एनम? 1125. जी 1125. और 337.5. तो 338.7. सर ये हमने 4 से क्यों डिवाइड किया है? टैक्स सेविंग के अंदर तो एक परसेंटेज दी जाती है. स्ट्रेट लाइन मेथड है ना, तो ये स्ट्रेट लाइन टैक्स अथॉरिटी की तरफ से है ये. यस, क्योंकि नॉर्मली वो रिड्यूसिंग बैलेंस फॉलो करते हैं. सवाल को सिंपलीफाई करने के लिए उन्होंने स्ट्रेट लाइन दिया. अगर रिड्यूसिंग बैलेंस होता तो फिर हम रेट अप्लाई करते. ठीक है जी. अच्छा जी, इसके बाद इसके अंदर इनिशियल कॉस्ट आ जाएगी. इनिशियल कॉस्ट हमारी है 5,000 की और स्क्रैप वैल्यू हमारे पास जो आएगी वो आ जाएगी, स्क्रैप वैल्यू हमारे पास फोर्थ ईयर के एंड के ऊपर 500 आ जाएगी. लेट्स सी इज देयर एनी कैश फ्लो. तो आई होप सो, हमने सारे कैश फ्लोज कंसिडर कर लिए. डिस्काउंट रेट है 11%. तो हम इसके नेट कैश फ्लोज बनाए पहले. आसान सवाल है, पास पेपर का सवाल है. सिर्फ टैक्स सेविंग को माइनस में क्यों लिखा हुआ है? गलती से लिख दिया, टैक्स सेविंग पॉजिटिव होगी. 338 सही है. चलिए नेट कैश फ्लोस कैलकुलेट करें. आई विल स्टार्ट फ्रॉम ईयर 4. सो what was that? 10176 minus 5730 minus 5. So first year ka aa raha hai 1515. 1515. Two five four seven. Second year. Two five. Four seven.
4143 अच्छा जी, डिस्काउंट फैक्टर लगा दें इसके ऊपर 11%, तो 11% की रेट्स अगर आपके पास हैं राइट नाउ तो रेट्स मुझे बता दें, इसका आंसर आ जाएगा और ये हमारे पास नेट प्रेजेंट वैल्यू आ जाएगा। मेरे पास अभी रेट्स नहीं है। ओके तो जस्ट अ मिनट वेट, मैं दे देता हूँ रेट्स। वैल्यूज निकाले सर, स्क्रीन नहीं आ रही। वैल्यूज निकाले वन थ्री सिक्स फाइव टू जीरो सिक्स एट इसको नेट ऑफ कर लें। सही जी? जी सर। तो इसका मतलब ये प्रोजेक्ट फीजिबल है और सेकंड पार्ट में इसने पूछा है क्रिटिकली डिस्कस मींस discussion, यानी कि problems. Critically discuss if sensitivity analysis will assist in assessing the risk of the investment project. तो हम ये discuss करेंगे कि what is sensitivity analysis, how it might help, and what are the limitations of sensitivity analysis. तो हमने ये theory में discuss किया हुआ है कि sensitivity analysis की limitation क्या होती है, ये हमें वन वेरिएबल एट अ टाइम का इम्पैक्ट बताता है, मल्टीपल वेरिएबल्स का और उनके रिलेशनशिप्स का वेरिएबल नहीं बताता, ठीक है। और इसके अलावा जब हम सेंसिटिविटी कैलकुलेट कर लेते हैं तो हमें बताता तो है कि वेरिएबल सेंसिटिव है, लेकिन ये नहीं बताता कि इस सेंसिटिव वेरिएबल की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो आप इस थ्योरी के सवाल के लिए सेंसिटिविटी का टॉपिक पहले क्लियर करें, उसके बाद इसको आंसर करेंगे या पास पेपर का आंसर रेफर करेंगे तो आपकी सेंसिटिविटी की थ्योरी क्लियर हो जाएगी। या जो आर्टिकल मैंने दिया था अगर वो आर्टिकल पढ़ लिया होगा सो दैट विल हेल्प यू आउट। सर टैंक के अंदर थ्योरी का कितना पोर्शन है? रफली 40%। ओह
ठीक है जी, चले अनदर क्वेश्चन। ई एन पी वी का जो टॉपिक है वो रीसेंट अटेम्प्ट्स के अंदर बहुत ज्यादा आया है, लास्ट 4 या 5 अटेम्प्ट्स के अंदर ना, तो आपकी इसके ऊपर अच्छी ग्रिप होनी चाहिए ई एन पी वी के टॉपिक। एक और पास्ट पेपर का क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं और लेट्स सी इसके अंदर कोई डिटेल डिफरेंट है या सिमिलर क्वेश्चन है। सर हम लोग हमेशा एनपीवी पूछते हैं ना पास्ट पेपर में, ज्यादातर एनपीवी, वरना वो आईआरआर भी पूछ सकता है, एआरआर भी पूछ सकता है, पेबैक भी, लेकिन हमने जितने पास्ट पेपर के सवाल हमने डिस्कस किए उसमें मेजॉरिटी टाइम एनपीवी ही पूछा जाता है। अच्छा जी, अब ये कंपनी दी भी है डिग्निस को, इज अ कंपनी व्हिच इंस्टॉल्स किचन एंड बाथरूम टू कस्टमर स्पेसिफिकेशन, इट इज प्लानिंग टू इन्वेस्ट 4 मिलियन इन अ न्यू फैसिलिटी। हमारी इनिशियल कॉस्ट कितनी हो गई? 4 मिलियन। ईच मोटर होम्स विल बी डिजाइन एंड बिल्ट अकॉर्डिंग टू द कस्टमर रिक्वायरमेंट एंड डिग्निस को एक्सपेक्ट मोटर होम्स सेल्स एंड प्रोडक्शन इन द फर्स्ट 4 ईयर्स। प्रोजेक्ट की लाइफ हो गई 4 साल और उसकी यूनिट्स हमारे पास accordingly available है। ये sales and demand आ गई। The selling price on the van which is converted, the selling price for a motor home depends on the van or truck which is converted, the quality of the units installed and the extent of conversion work required. Dignis has undertaken research into likely sales and cost of different kinds of motor homes which could be selected by customer as follows. अब मोटर होम्स की जो टाइप है उसने 3 क्लासिफाई की है, बेसिक, स्टैंडर्ड एंड डिलक्स, और उनकी प्रोबेबिलिटीज हमारे पास अवेलेबल है। जब प्रोबेबिलिटीज अवेलेबल होती हैं तो हम एक्सपेक्टेड वैल्यू पे कैलकुलेशन करते हैं, और प्रोबेबिलिटीज किसकी अवेलेबल है? सेलिंग प्राइस की और कन्वर्जन कॉस्ट की। अब दो चीजों को एवरेज पे कैलकुलेट कर रहे हैं, राइट? तो हम सबसे पहले एवरेज प्राइस निकाल लेते हैं, एवरेज सेलिंग प्राइस। पहला आउटकम क्या है सेलिंग प्राइस का? 30,000। दूसरा आउटकम 42,000 और तीसरा आउटकम सेलिंग प्राइस का 72,000। 30,000 की प्रोबेबिलिटी 0.20, 0.45, 0.35, मल्टीप्लाई करके टोटल करें 6,000। दोबारा बोले 2,520,000 टोटल कर ले 50100। ये एवरेज सेलिंग प्राइस आ गई। हम अपनी कैलकुलेशन इस एवरेज सेलिंग प्राइस के ऊपर करेंगे, ठीक है जी? कन्वर्जन कॉस्ट ही नहीं निकालेंगे? इसी तरह एवरेज कन्वर्जन कॉस्ट, रेवेन्यू निकालने के लिए सेलिंग प्राइस लेंगे 50,100। अब कन्वर्जन कॉस्ट हमारे पास पहला ऑप्शन कितना है? 23,000 इंटू 0.2, 29,000 into 0.45 and 40,000 into 0.35। ये कैलकुलेट करें। सर हम ऐसा नहीं कर सकते सेलिंग प्राइस में से पहले से कन्वर्जन कॉस्ट माइनस करके जो आंसर है बेहतर ये है कि क्योंकि एग्जामिनर वांट्स कि आप हर चीज की कैलकुलेशन करें, तो बेटर इसके अगर इन्फ्लेशन दी भी हो या इस तरह की प्रोबेबिलिटी तो अलग कैलकुलेट की, अलग प्रोबेबिलिटीज एक है तो की जा सकती है, मसला नहीं। वैल्यूज बताएं। 4,600। वन मिनट। फोर थाउजेंड सिक्स हंड्रेड सर टोटल आ रही है 31650। 31650 जी टोटल आ रही है।
31650 ये ईवी आ गए, ठीक है। अब ईवी निकालने के बाद ना ये क्वेश्चन नॉर्मल क्वेश्चन हो गया, जैसे हम करते हैं, ठीक है। अब इसमें कोई एडिशनल चीज नहीं है जो हम डिस्कस करें कि क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती, ठीक है। तो अगर हम इसको ये देखें जी, इसका आंसर तो ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट एवर वी हैव कैलकुलेटेड, इन्होंने सेल्स इनकम निकाली एज वी डिड, कन्वर्जन कॉस्ट निकाली, कंट्रीब्यूशन आया, फिक्स कॉस्ट माइनस की, बिफोर टैक्स कैश फ्लोज आए, टैक्स कैलकुलेट किया, टैक्स बेनिफिट्स निकाले, ठीक है। अच्छा, एक चीज थोड़ी सी डिफरेंट है क्योंकि यहाँ पर हमें चेक करनी है, इस क्वेश्चन के अंदर अगर हम देखेंगे तो उसने टैक्स बेनिफिट्स के लिए हमें जो इंफॉर्मेशन दी हुई है वो जरा चेक करें। दी कंपनी कैन क्लेम टैक्स डेप्रिसिएशन ऑन द कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट ऑन अ स्ट्रेट लाइन बेसिस ओवर 10 ईयर्स। इसका मतलब ये है कि टैक्स लाइफ ऑफ द प्रोजेक्ट हमने 4 साल ली है, लेकिन टैक्स सेविंग हमने 10 ईयर्स के ऊपर कैलकुलेट की है, ठीक है। तो अगर हम मैं इसको कैलकुलेट कर दूं तो कॉस्ट थी 4 मिलियन की और टैक्स बेनिफिट थे रेट था 28% का, तो टैक्स सेविंग्स रफली बनेगी 4000 कॉस्ट, 10 साल उसकी लाइफ है, 1 साल का डेप्रिसिएशन कितना होगा 400, इसको 28% से मल्टीप्लाई करें, कितना आंसर आता है 112। ऊपर चेक करें 112 आ रहा है, ठीक है। आफ्टर टैक्स कैश फ्लोज निकाले, डिस्काउंटेड रेट लगाया, प्रेजेंट वैल्यूज में कन्वर्ट किया, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लोज ली, इनिशियल कॉस्ट माइनस की, तो इस प्रोजेक्ट की नेट प्रेजेंट वैल्यू कितनी आ रही है -139। क्या हम इसे ईएनपीवी कह सकते हैं, सही है। अब जो काम की चीज है ना इस सवाल में इंपॉर्टेंट, वो है इसका अगला पार्ट। लेट्स सी, ये प्रोजेक्ट हमने कितने साल पे अप्रेज किया है और इसमें टैक्स सेविंग कितने साल पे ली है 10, ठीक है। आफ्टर द फोर्थ ईयर ऑफ ऑपरेशन डिग्निस को एक्सपेक्ट टू कंटिन्यू टू प्रोड्यूस एंड सेल 450 मोटर होम्स पर एनम फॉर द फोरसीएबल फ्यूचर। अब ये कह रहा है कि हम ये अज्यूम कर लेते हैं कि इस प्रोजेक्ट की लाइफ इनडेफिनेट है और हमें जो बेनिफिट्स मिलेंगे वो वही बेनिफिट्स मिलेंगे जो फोर्थ ईयर ऑनवर्ड्स मिल रहे हैं। कितने बेनिफिट्स मिलेंगे, चेक दिस आउट, फोर्थ ईयर के बेनिफिट्स कितने, 2129। लेकिन एक प्रॉब्लम है, इस 2129 में 112 एड बैक हुआ हुआ है, तो आप एक काम करें 2119 में से 112 माइनस करें। ये वो कैश फ्लोज हैं जो फिफ्थ ईयर से ऑनवर्ड्स, वो ये कह रहा है कि अज्यूम कर लें परपीचुटी में जाएंगे। टैक्स तो परपीचुटी में नहीं जा सकता ना, टैक्स जो होगा वो हमने कितने साल पे लिया है 4 ईयर्स तक लिया है, लेकिन टैक्स कहाँ तक जाएगा 5 ईयर्स से कहाँ तक जाएगा 10 ईयर्स। तो ये दो चीजें चेंज करनी है इस सवाल में, और चेंज करके ये बताना है कि अगर ये चेंजेस हम इनकॉर्पोरेट कर दें तो हमारी एनपीवी पे क्या फर्क पड़ेगा जो हमने अभी कैलकुलेट की, सही है। सर इसमें इन्फ्लेशन वगैरह नहीं, कुछ नहीं है, नथिंग। अच्छा जी, अब देखें एक चीज देखें, ये जो कैश फ्लो हमारे पास आ रहे हैं, पहले हमने कॉन्सेप्ट शायद डिस्कस किया था डिलेड एन्यूटी और डिलेड परपेचुटी का, शायद माइट बी, या तुम लोगों को शायद आइडिया हो, है आइडिया डिलेड परपेचुटी का आइडिया है,
नहीं सर। चले पहले मैं आइडिया दे देता हूँ, परपीचुटी का आइडिया है? परपीचुटी क्या होती है? What is perpetuity? Cash flows for an indefinite period of time. अगर एक cash flow infinite period of time के लिए आए तो वो क्या कहलाते हैं? Perpetuity. और perpetuity की value, present value calculate करने का formula होता है annual cash flow multiplied by 1 divided by discount rate. इस फॉर्मूले से हम किसी भी गिवन कांस्टेंट वैल्यू परपेचुइटी की प्रेजेंट वैल्यू निकाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हमारे पास 1000 पर एनम आता है और हमारा डिस्काउंट रेट 0.10 है तो वैल्यू क्या होगी? ये क्या है 10,000? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ व्हाट यू विल रिसीव per annum, that is 1000 for an indefinite period of time. सही जी? लेकिन जब पूरी जिंदगी भर अगर हमें 1000 मिलते रहेंगे तो अभी इसकी वैल्यू सिर्फ 10,000 होगी। जी। अब इसमें एक इश्यू है। For example, अगर ये perpetuity आज स्टार्ट हुई है ना, तो ये फॉर्मूला लगाकर हमने इसको जीरो पे 10,000 वर्कआउट कर लिया। लेकिन अगर ये perpetuity स्टार्ट होती ईयर टू से, अगर मैं कहता कि ये कैश फ्लो ईयर टू से स्टार्ट हुआ है तो क्या हम ऊपर वाला फॉर्मूला डायरेक्ट लगा सकते हैं? इसका मतलब है फर्स्ट ईयर का डिस्काउंट फैक्टर हमें एडजस्ट करना पड़ेगा। तो इसका एक तरीका तो ये होता है कि आप परपेचुइटी फैक्टर निकालें। फॉर एग्जांपल, हमने ये परपेचुइटी फैक्टर निकाला, ये आ गया 10। अब ये इसमें कौन सा ईयर मिसिंग है बीच में? 1। तो 1 का डिस्काउंट रेट दैट इज 10% पे 0.909 माइनस करें, ये परपेचुइटी फैक्टर एडजस्ट हो गया फ्रॉम 2 टू इंफिनिटी। अब इस परपेचुइटी फैक्टर को मल्टीप्लाई कर दें 1000 से तो हमारे पास जो पीवी आएगी वो ईयर जीरो पर आ जाएगी। ये जीरो पे क्यों आई? ये तो टू से ही आनी चाहिए ना? नहीं, टू से ऑनवर्ड्स का ये फैक्टर है। अच्छा, तो जो बीच में एयर मिसिंग था वो मैंने एडजस्ट कर दिया, इसलिए इसका आंसर जीरो पे आएगा। आंसर बताएं। 909 सही है। इसी तरह एक होती है एन्यूटी डिलेड या डिलेड एन्यूटी। ये क्या होती है इसको चेक करें। फॉर एग्जांपल, एन्यूटी क्या होती है? व्हाट इज एन्यूटी? कॉन्स्टेंट सम फॉर अ डिफाइंड पीरियड ऑफ टाइम, इसको हम क्या कहते हैं? कि ये एन्यूटी है, राइट? अब एक एन्यूटी हमारी शुरू हो रही है यहां से 100,000 पर एनम, तो ईयर फोर में भी 100,000, ईयर फाइव में भी 100,000। So this is what annuity. लेकिन हम इस annuity के ऊपर अगर value, present value लगाएंगे तो problem क्या है? ये zero पे answer नहीं आएगा। तो अब इसका तरीका क्या होगा? Assuming a cost of capital of 10%, तो हम क्या करेंगे? पहले annuity factor निकाल लेंगे, कहां से कहां तक का? 1 to 5, और उसमें फिर जो मिसिंग फैक्टर है 1 to 2 का वो इलिमिनेट कर देंगे तो हमारे पास एडजस्टेड एन्यूटी फैक्टर आ जाएगा।
अब ये जो दो मैंने डिस्कशन की है ना, डिलेड परपीचुटी और डिलेड एन्यूटी, ये मैं ऊपर वाले क्वेश्चन के अंदर अप्लाई करूंगा। तो बस ये पार्ट करके फिर हम अपनी आज की डिस्कशन को कंक्लूड कर देंगे और